हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि प्यारे बच्चों, हम लोग आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में आपकी बुक देख रहे हैं और उस बुक में हम बात कर रहे थे आपका महिलाओं ने कैसे अपने संघर्ष के माध्यम से सारी चीजों को आपका बदला है और पूरे चैप्टर को हमने एक एक करके आपका देख लिया था। औरतों ने बदली दुनिया, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इसमें कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी कोई अपनी क्वेरी है, कोई अपना प्रश्न है तो। देखिए, हमें सबसे पहले जो है आज रुकैया, सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनके सपने के विषय में पढ़ना है। ठीक है, आइए, क्योंकि कल जब हम लोग आपका पढ़ रहे थे, ये हमारा रह गया था, तो मैंने कहा था कि कल जब सबसे पहले हम लोग अपना लेक्चर शुरू करेंगे तो एक बार इनके जीवन परिचय से ही हम चीजों को अपनी शुरू करेंगे और उसी के साथ हम लोग एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे और इसमें गौर करेंगे। तो उसी पर हम लोग जो है आज अपना बात करने वाले हैं। रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1932 में एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। यानी कि अगर आप इनकी फैमिली को आप देखो तो स्टेटस थोड़ा अच्छा था, रिच फैमिली में है। ठीक, जिनके पास बहुत जमीन थी, यदि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। अब देखिए, ये एक भाषा कम से कम पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, वो था उर्दू। उर्दू भाषा इनको अच्छे से आती थी, लेकिन इनकी इच्छा क्या थी कि वो आपकी बंगला को पढ़ें और आपका किसको पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ें। दो इनकी भाषा थी। उस समय अंग्रेजी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। अब ऐसा विचार था, ऐसी भाषा थी, लोग क्या कहते थे कि लड़कियों के लिए जो बंगला भाषा है और खासकर अगर इंग्लिश, वो उनके लिए अच्छी भाषा जो है, एक तहजीब की जुबान या नहीं मानी जाती, ऐसा कुछ इनके यहां मानना था। ठीक, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी और इंग्लिश जो आपका पढ़ाने का काम था वो एक वर्ग को सौंप दिया था, लड़के को, यानी कि लड़के के लिए इंग्लिश नहीं थी लड़कियों के लिए। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा, यानी कि जो उनके बहन भाई हैं, उन्हीं बहन भाइयों से उन्होंने अंग्रेजी को लिखना पढ़ना सीख लिया था। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी और 1905 में जब वे केवल 50 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा में कौशल अभ्यास करने के बाद उन्हें एक उल्लेखनीय कहानी जिसका शीर्षक सुल्ताना का सपना। कहानी में सुल्तान नामक एक स्त्री की कल्पना की थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान है जहां पर स्त्री को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए, उनका जो उपन्यास है, जो उनकी आपकी कल्पना है, उस कल्पना की आप सोच देख सकते हैं उन्होंने कैसा लिखा है कि वो लड़कियों के बारे में क्या उम्मीद रखती हैं और कैसा वो काम सोचती हैं कि क्या होगा लेडी लैंड में। तो लेडी लैंड में वो सारे सपने थे जहां महिला क्या कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, आविष्कार का मतलब नई नई खोज करने के लिए स्वतंत्र हैं, ऐसी जगह। इस कहानी में महिलाओं बदलावों से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपाय खोजती हैं और हवाई कार चलाती हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या करती हैं, ऐसी चीजें करती हैं महिलाएं वहां, आपका बादलों से होने वाली वर्षाओं को रोकने के उपाय खोजती हैं और आपका हवा में कार चलाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी सोच इन्होंने उस समय अपनी पुस्तिका में लिखी थी कि जो आज के समय में आपके रिसर्च में जो हमारी महिलाएं जा रही हैं, उन्होंने ऐसा ख्वाब बहुत समय पहले देखा था जब वो 50 वर्ष की थी। क्लियर है?
लेडीलैंड में पुरुषों का आक्रमण बंदूक और तोहफे के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिया और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए गए। अब देखिए वहां पुरुषों का जो अस्तित्व है उसको नहीं बताया गया है। सुल्ताना लेडी अपनी बहन सहारा में के साथ यात्रा कर पर जाती हैं, तभी उनकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वे एक सपना देख रही थी। और क्या हो रहा है, उन्हें पता चलता है कि वे क्या कर रही है, अपना सपना देख रही थी। अब देखिए किसी का सपना ऐसा हो जिस तरह से वो जीवन जीना चाहता हो, लेकिन जैसी वो आंख खोलती है उनका सपना पूरा टूट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि हमने आपने देखा कि रुकैया ख्वाजा हुसैन उस समय स्त्रियों के लिए हवाई जहाज और कार चलाने का सपना देख रही थी जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए वो किस समय सपना देख रही है, जब लड़कियों को स्कूल जाने के लिए बैन करा जा रहा है, पाबंदी है, वो समय कह रही कि लड़कियां कार चलाएं, प्लेन उड़ाएं। आज के समय में तो बहुत संभव है, लेकिन प्राचीन समय में जहां लड़कियों को महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, ऐसी जगह सपना देखना और ये करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अद्वितीय काम था, यूनिक था अपने आप में। अगर आप इसको देखोगे, जब लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी, इस तरह से शिक्षा ने रुकैया के जीवन को बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा उन्हें सपने में आपके देखने और लिखने की शक्ति नहीं देती थी, वरना उसे और भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्यरत है। अब देखिए उन्होंने एक क्या किया, आपके कोलकाता के अंदर एक उन्होंने स्कूल खोला है और कह रहे हैं कि वो स्कूल वर्तमान में भी क्या करता है, काम कर रहा है। तो ऐसी महान लेडी हमारे सामने है, एक उनका चित्र हमारे सामने, और हमको देखना चाहिए कि ऐसी कुछ महिला है जो समाज में एग्जाम्पल सेट करती है, उन आपके रूढ़िवादी सोच को, उन आपके पूर्व धारणा को, सोच को बदलकर समाज को नई गति आपका प्रदान करती है। तो ऐसी महिलाओं के जो हमें जीवन परिचय है उनका पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरित होकर हमारे सामने आ रही कठिनाई को हमको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना आप देख लीजिए, इसमें कोई आपका डाउट बनता है, कोई क्वेरी है, कोई परेशानी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल का जो भी आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाते हैं। अब तालिका को हम लोग आपका देख चुके थे और कल इसमें हम बहुत सारी चीजों में आपका बात कर चुके थे, और खास कर हमने कल देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के विषय में कुछ पृष्ठभूमि को पहले से पढ़ा है, कुछ इसके विषय में जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन क्या है? जानता है कोई, बताइए मेरे प्यारे बच्चों? जानता है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। महिला आंदोलन की हम लोग बात करते हैं कि महिला आंदोलन क्या है और कैसे समाज में निकला है, थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं भी डाउट लगता है आप मुझसे बीच में रोककर मुझको पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा, स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। कह रहे हैं कि जो संघर्ष हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, कानूनी समानता का, हिंसा का, जो महिला को अधिकार मिले हैं, तो कुछ औरतों ने व्यक्तिगत लेवल पर उनके लिए काम किया है और कुछ मिलकर उनके लिए आपका संघर्ष किया है तो ही उनको ये चीज मिली है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतों और कई महिला संगठनों ने इन आंदोलनों में हिस्सा लिया है।
कई पुरुष भी महिला आंदोलन के समर्थक करते हैं। इस आंदोलन में जुटे हुए लोग मेहनत निष्ठावान और उनकी एक विशेषता इससे है कि वे जीवंत आंदोलन बनते रहे। इनकी चेतना जागृत करने, भावनाओं को बुलावा करने, न्याय हासिल करने और विभिन्न रणनीति का उपयोग करने, इनकी इकाइयां हमको देखती रही। हम इन इकाइयों की झलक आपके इन सब चीजों में देख सकते हैं। किस लिए थी? ताकि जो ये रूढ़िवादी सोच है जो समाज ने आपके बना रखा है उसको तोड़कर महिलाओं की भी बराबर हिस्सेदारी समाज में हो, देश में हो। और महिलाओं ने ये कर दिखाया है कि महिला किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह आपका कोई कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में। तो ये आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अन्य अभियान जो है उन अन्य अभियानों को भी हम लोग इसमें आपका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अन्य अभियानों की हम लोग बात करते हैं। अभियान कैसा है? भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कह रहे जो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है बच्चों, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो हिंसा होती है उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, एक अभियान चलाया है। ठीक, महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियान के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं और कुछ कह रहे हैं कि कुछ आपका नए कानून भी क्या है आपका बने हैं। 2006 में एक कानून बना है जिसे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा का भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। 2006 में एक एक्ट बनाया कि जिस घर में महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से अगर कोई उनको यातना दी जाती है, उनको पीटा मारा जाता है, उन औरतों को क्या होगा, कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। ये आपको ध्यान रखना, क्या होगी, कानूनी शिक्षा आपको प्राप्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़नाओं से भी सुरक्षा प्रदान करने की निर्देश दिए। अब देखिए बहुत सारे, चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी ऐसी जगह हो, उन पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का प्रेशर रहता है। उन सभी के लिए क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके विषय में गाइडलाइन जारी कर रखी है ताकि महिला सुरक्षा जो है हम उसको बढ़ावा दे सके। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि महिला सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें आपका की जा सके। क्लियर? चलिए तो इन सारी चीजों को आपको बेसिकली ध्यान रखना है। एक और उदाहरण को देखते हैं, एक और एग्जाम्पल्स है उसको थोड़ा सा आपका हम लोग आपका देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक इमेज आपके सामने दी गई है, आप इस इमेज को गौर करके देखिए, फिर इसके नीचे का हिस्से को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, देख लिया, सत्यारानी महिला आंदोलन के एक सक्रिय सदस्य हैं। दहेज के लिए मार दी गई बेटियों के मामले में न्याय मांगने के लिए कड़े लंबे मुकदमों की कानूनी फाइल से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ी पर बैठी है। अब देखिए, एक पहला इमेज देखा, ये रहा कैसे बैठी है, इनकी बेटी को क्या है, दहेज एक्ट के मामले में, दहेज के मामले में उसको मार दिया है और उसी के लिए वो कहां बैठी है, सर्वोच्च न्यायालय की आपका सीढ़ी पर बैठी है। एक तरफ अपनी बेटी की फोटो लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ आप उसको देखेंगे तो आपका क्या है, ये चीज यहां है। देख लिया आपने इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियान के कारण 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में फैसला सुनाया था, आपने पढ़ लिया। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, कह रहे हैं कि 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। क्या उठाई? जहां पर दहेज हत्या होती है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोग जो दहेज के लालच में मौत के घाट उतार जाता था, महिला संगठनों ने इस बात की आपकी कड़ी आलोचना करके
कानूनी अधिनियमों को कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, इस मुद्दे पर महिलाओं पर निकल आई हैं। कह रहे कि जिस तरह से काम होना चाहिए कि जो अधिनियम बने हैं, जो दहेज एक्ट के खिलाफ जिनमें लड़कियों को मार दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई खास चीजें नहीं हो रही। इस मुद्दे पर महिला सड़कों पर निकल आई, उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारी का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबार में छानने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवार को दंडित किया जा सके। क्या कर सके? दहेज मांगने वाले कानून को आपका दंडित जो है किया जा सके। ये सारी चीज हमारे सामने है और जो प्रचलित है आज भी, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, इस तरह से कुछ ना कुछ आपके मूवमेंट जो है हमेशा होते रहे हैं और ये ही ऐसी महिला हैं जो आपका नींव का पत्थर बनी है, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव करके एक एग्जाम्पल जो है आपके समाज में सेट किया है और नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। तो आप इनके विषय में पढ़िए, आप बहुत सारी चीजों को उसमें आपका देख रहे हैं, बहुत सारे अभियानों को आप इसके अंतर्गत देखेंगे कि कैसे महिलाओं ने ये सब करने के लिए, ऐसा नहीं कि इनको सब कुछ आसानी से मिल गया, नहीं, महिलाओं ने कोई भी स्थिति कहीं भी रही हो हर जगह संघर्ष किया है और संघर्ष करके वो सामने पहुंची। देखिए, देख लिया बच्चों, इतना पढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जागरूकता बढ़ाना कि कैसे समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए, क्या चीजें हैं उसके विषय में थोड़ा देखता है। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिलाओं का एक प्रमुख कार्य है। अब देखिए, आज भी हमारे समाज में महिला अपने अधिकार को, अपने राइट्स को नहीं जानती। उनको ये अधिकार दिलाना, उनको समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब कह रही है, गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से लोग अपने संदेश को पहुंचाते हैं। अब देखिए, एक लड़की आपका नुक्कड़ नाटक कर रही है, समझाना चाह रही है कि क्या चीज है, किस तरह से हमारे राइट्स हैं। और एक महिला को आप देख लीजिए क्या कर रही है, ये महिला अपना पोस्टर चिपका रही है लोगों को समझाने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक समझाना जो है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेस है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगला है विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाती हैं। लोगों को ध्यान खींचने के लिए वो रैली, प्रदर्शन तथा असारक तरीके से वो चीजें करती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आना चाहिए। देखिए, किस तरह से वो आंदोलन करती हैं, किस तरह से ये चीजें होती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, देख लिया आपने। अब देखते हैं बंधुत्वता व्यक्त करने। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ क्या है, बंधुता व्यक्त करने के लिए महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया की औरतें अपने संघर्ष को ताजा करने के लिए, जश्न मनाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व की महिलाओं को, जो उन्होंने संघर्ष किए हैं, उनको याद दिलाया जा सके, उनको ताजा किया जा सके और जश्न मनाया जा सके कि हम समाज में कहां खड़े थे और आज किस पायदान पर आकर खड़े हो गए हैं। क्लियर है? तो इस तरह की चीजें क्या होती हैं, महिला संगठन द्वारा जो है आपके की जाती हैं। आप इस इमेज को अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक एक पहलू को समझ सकते हैं। सबसे पहले जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है, इसमें कोई चीज आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं, ये देखिए, हर साल 14 अगस्त को बाग में भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक संस्कृति कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोग के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें मोमबत्तियां जला के उठती हैं। अब देखिए, आपका बागा जो बॉर्डर है, भारत और पाकिस्तान की सीमा है, पंजाब में पड़ता है, वहां दोनों देश से आपकी महिलाएं इकट्ठी होती हैं और आपस में एक जश्न मनाती हैं और कैंडल जलाती हैं। एक उसी का प्रतीत है हमारे सामने है कि ये संस्कृति कार्यक्रम में आयोजित होता है इस तरह से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और देखिए एक इमेज आपको दिखाई गई है कि महिला आंदोलन किस प्रकार से था और कैसे महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित थी। चलिए, देख लिया, इतना गौर कर लिया, पूरा इमेज आपके सामने है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब बच्चों आपका चैप्टर जो है पूर्णतः आपका समाप्त हो गया है, यानी कि जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। मैं लास्ट मिनट आपको पूछता हूं, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी ऐसा क्लॉज चीज आपको समझ नहीं आई हो मेरे प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर में, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देख लीजिए आप इसको, देख लिया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न है इसमें, इन प्रश्न उत्तरों को हम लोग एक एक करके गौर करके इनको देखेंगे और इन पर हम लोग बात भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी विचारधारणाओं की ये क्यों कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करते हैं। अब देखिए, हमारे मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा बना रहता है कि महिला किन काम को कर सकती है, किन काम को नहीं कर सकती, किन काम में इनको समानता मिलनी चाहिए, इसी बात पर हम लोग गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर पे चलते हैं। उत्तर देखते हैं, क्या हमारे विचार में महिलाओं के बारे में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती है, क्या कह रही है, निम्न प्रकार से उसको प्रभावित करती है, उन सभी टाइप्स को हमको देखना है। जैसे अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतना शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, जैसे अधिकांश ग्रामीण परिवार में महिला इतनी
शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं। क्या है? नहीं कर पाती हैं। जितनी सुविधा उन्हें गांव में नहीं कर पाती हैं, जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती हैं, यानी कि जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। क्या कह रहे हैं? गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्राय आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांव से बाहर दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता है क्या होता है? गांव जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है जिसमें महिलाओं को बाहर या शहर में नहीं भेजा जाता। नहीं भेजा जाता है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़े। देख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखिए बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। हुआ बच्चों? अभी तो इसका एक ही पॉइंट लिखा, अभी अगला लिखना है दूसरा। लिख लीजिए। लिख लिया दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए आप लोग। देखिए आज के समय में भी ग्रामीण क्षेत्र में पर्दा प्रथा बाल विवाह जैसी रूढ़िवादी विचार हैं। जिसके कारण लड़कियों को आज भी घर की चार दीवारी के अंतर्गत रखा जाता है। लड़कियों के
विवाह की जिम्मेदारी सबसे बड़ी मानी जाती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है, देख लीजिए इसको। देख लिया बच्चों, चलिए इससे आगे थोड़ा सा आपको कॉपी करना है, ये वाला पेज कॉपी कर लीजिए। हो गया बच्चों कॉपी? चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो पॉइंट्स हमने देख लिए, दो इसमें अभी शेष बचे हैं। इतना आपको ध्यान रखना था जो था इसमें बात कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।